वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में अपन किस चीज पे डिस्कस करेंगे? लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कर्व और थोरेसिक केज, और आज अपन उसी को क्या है फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार जो अपन लास्ट लेक्चर में किया था उसको फिर से समराइज कर लेते हैं। कर्व ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, जो कर्व जो है वो क्या कैसे होती है? When view from the side, the vertebral column present four curve, two primary and two secondary. The fetus in uterus lies curved up so that the head and the knee are more or less touching the positions of the primary curve. The secondary cervical development, when the child can hold of the head after about 3 months, and the secondary lumbar curve develop when the stand upright after 12 to 15 months. Thoracic and the sacral primary curve are retained. तो curve क्या है? Baby जो है वो curve में कैसे रहता है? When view from the side of the vertebral column present four curve, चार curve होते हैं, two primary and two. चार क्या है? कॉमन जो है वो क्या कर्व प्रेजेंट होते हैं, दो प्राइमरी होते हैं और दो क्या है सेकेंडरी होते हैं। द फीटस इन द यूटरस लाइज कर्व अप सो दैट द हेड एंड नी आर मोर लेस टचिंग दिस पोजिशन दो शो द प्राइमरी कर्व। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दो होते हैं अपने, जिसमें प्राइमरी में क्या होता है जो फीटस का हेड है और नी है वो क्या है दोनों के दोनों क्या कर्व में होते हैं और उसकी जो टचिंग है वो लेस टचिंग होती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी कर्व। सेकेंडरी सर्वाइकल कर्व डेवलप व्हेन द चाइल्ड कैन होल्ड अप हिज हेड, जब वो अपना बच्चा जो हेड को अप करने लग जाता है, होल्ड करने लग जाता है आफ्टर अबाउट 3 मंथ, तब 3 महीने बाद। एंड द सेकेंडरी लंबर कर्व डेवलप व्हेन द स्टैंड अपराइट आफ्टर 12 to 15 मंथ, और जो सेकेंडरी जो लंबर कर्व है वो कब डेवलप होता है? व्हेन द स्टैंड अपराइट 12 से 15 महीने बाद क्या है सेकेंडरी कर्व वो है स्टार्ट होता है। थोरेसिक एंड द सेक्रल प्राइमरी कर्व आर रिटेन्ड। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। मूवमेंट क्या होते हैं? द मूवमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल बोन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम आर वेरी लिमिटेड, जो मूवमेंट्स हैं वो क्या है इंडिविजुअल बोन के वो क्या है बहुत लिमिटेड होते हैं। हाउएवर द मूवमेंट ऑफ द कॉलम एज ए होल आर क्विट एक्सटेंसिव एंड इंक्लूड फिक्सेशन एक्सटेंशन लेटरल फिक्सेशन एंड रोटेशन। मूवमेंट्स कौन से होते हैं? फ्लेक्शन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, ये क्या है मूवमेंट्स होते हैं इनके। देयर इज मोर मूवमेंट इन सर्वाइकल एंड लंबर रीजन देन जो मूवमेंट्स हैं वर्टेब्रल कॉलम के वो क्या है लिमिटेड होते हैं। ठीक है, मूवमेंट्स कौन से होते हैं? एज हु आर क्यूट एक्सटेंसिव एंड इंक्लूड फिक्सेशन बाइंडिंग फॉरवर्ड। ठीक है, बाइंडिंग बैकवर्ड को क्या बोलते हैं अपन एक्सटेंशन, लेटरल फिक्सेशन क्या बाइंडिंग टू द साइड एंड रोटेशन। देर आर मोर मूवमेंट इन द सर्वाइकल एंड लंबर रीजन।
नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द वेंट्रल कॉलम इंक्लूडिंग द फॉलोइंग फॉलोइंग क्या फंक्शन कौन कौन से हैं कलेक्टिंग द वेंट्रल फोरामिना फ्रॉम द वेंट्रल कैनाल विच प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बॉडी प्रोटेक्शन फॉर द डिलेक्टिंग स्पाइनल कॉर्ड एंड लाइन जो क्या है वर्टिबल जो कॉलम है वो क्या करते हैं वर्टिबल कॉलम कलेक्टिंग द वर्टिबल फोरामिना फॉर्म द वर्टिबल कैनाल क्या बनाते हैं वर्टिबल कैनाल बनाते हैं विच प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बोनी प्रोटेक्शन जो क्या करती है एक स्ट्रॉन्ग बोनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है फॉर द निगेट स्पाइनल कॉर्ड लाइन विद इन इट द पेंडिकल्स ऑफ द एडजस्टमेंट वर्टिब्रा फॉर्म इंट्रावर्टिबल फोरामिना वन ऑन ईच साइड प्रोवाइडिंग असिस्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड फॉर स्पाइनल नर्व ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स द पेडिकल्स है वो क्या है पेडिकल्स ऑफ द एजेंस वर्टिब्रा फ्रॉम द इंट्रावर्टिबल फोरामिना ऑन वन ईच साइड प्रोवाइडिंग असिस्ट द स्पाइनल कॉर्ड फॉर स्पाइनल नर्व ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स द न्यूमेरियस इंडिविजुअल बोन एनेबल इन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मूवमेंट इट सपोर्ट द स्कल क्या करता है स्कल को सपोर्ट करता है स्पोर्टिंग रखता है उसको सपोर्ट देता है द एंटीरियर वर्टिब्रल डिस्क एक्ट एज स्ट्रोक अब्जॉर्ब प्रोटेक्टिंग द ब्रेन और जब इंट्रावर्टिब्रल डिस्क है वो क्या है स्ट्रोक को अब्जॉर्ब कर लेती है और क्या करती है प्रोटेक्ट करती है इट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द ट्रंक गिविंग ए अटैचमेंट टू द रिब्स शोल्डर ब्रिज एंड अपर लिम्ब एंड द पेल्विक रिब एंड लोअर लिम्ब रिब से क्या अटैचमेंट प्रोवाइड कराते हैं ठीक है और जो शोल्डर है उसको क्या है अपर शोल्डर रिब और जो अपना अपर लिम्ब है उनको पेल्विक और लोअर लिम्ब से क्या है ये अटैचमेंट प्रोवाइड कराते हैं नेक्स्ट अपना क्या है थोरेसिक केज थोरेसिक केज क्या है थोरेसिक केज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं स्टर्नम होता है ठीक है रिब्स होती हैं तो इसमें क्या है अपना ये स्टर्नल नोस दिखाया गया है थोरेसिक वर्टिब्रा दिखाई गई है सर्वाइकल नोस दिखाया गया है बॉडी हो गई स्टर्नम की जिफर प्रोसेस हो गई रिप्स हो गई कोस्टल कार्टिलेज हो गया ठीक है ये क्या है आपकी ट्रू रिप्स हो गई ये आपकी क्या है प्री रिप्स हो गई और आपकी ये क्या है फ्लोटिंग रिप्स हो गई तो आपकी फ्लोटिंग रिप्स कितनी हुई दो आपकी क्या है फ्लोटिंग रिप्स हो गई तीन आपकी क्या है फॉल्स रिप थ्री पेयर में क्या आपकी फॉल्स रिप्स हो गई और जो सेवन है वो क्या है आपकी ट्रू रिप्स हो गई
क्या केज क्या होता है, थोरेसिक केज एक पिंजरे की तरह होता है, ठीक है, जिसमें क्या है रिब्स जो है वो क्या है स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती है, वो एक केज बना के रखती है पिंजरे की तरह, स्ट्रक्चर बना के रखती है। नेक्स्ट है थोरेसिक केज। थोरेसिक केज के अंदर क्या होता है, एक स्टर्नम होता है, ठीक है, 12 पेयर के हैं रिब्स होती है और 12 के हैं थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। तो थोरेसिक केज जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, थोरेसिक केज के अंदर एक स्टर्नम होता है, 12 पेयर के होती है आपकी रिब्स होती है और 12 के आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। तो ऐसे मिलकर क्या है अपना थोरेसिक केज बनता है। थोरेसिक केज को अपन क्या बोलते हैं, द बोन ऑफ द थोरेक्स ऑफ और थोरेसिक केज, जो बोन है कौन सी थोरेक्स की और थोरेसिक केज की, वो मिलके क्या बनाती है, दोनों के दोनों थोरेसिक केज बनाती है। और इसके अंदर क्या क्या चीज, स्टर्नम आता है एक, 12 पेयर रिब्स की आती है और 12 क्या है थोरेसिक वर्टिब्रा आती है। नेक्स्ट है स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन। दिस इज अ फ्लैट बोन कैन बी फ्लेटेड जस्ट अंडर द स्किन इन द मिड लाइन ऑफ द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। जो स्टर्नम है वो क्या है, स्टर्नम दिस फ्लैट बोन, ये क्या है फ्लैट बोन होती है, कैन बी फ्लेट जस्ट अंडर द स्किन, क्या है जस्ट अंडर होती है किसके स्किन, इन द मिडिल ऑफ द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। द मैंड्रिबुलम इज द अपर मोस्ट सेक्शन एंड articulate with the clavicles at the sternovelical joint and with the first two pair of the ribs. The body or middle portion give attachment to the ribs. जब body है और middle portion है वो क्या करती है, ribs को क्या है attachment provide कराती है। The zippered process is the tip of the बॉन्जीफर्ड प्रोसेस, क्या है टिप होती है किसकी स्टर्नम की, इट गिव अटैचमेंट टू द डायफ्राम मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड द लिनियर एल्बा। और ये किस किस को अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है, अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है डायफ्राम को, मसल्स को, मसल्स को किसकी, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की एंड लिनियर एल्बा, इनको क्या है अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट क्या है अपना डायग्राम दिखाया गया है किसका, एंटीरियर व्यू है जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, ये क्या है आपका एंटीरियर व्यू है किसका, स्टर्नम का, ठीक है, और सेकंड क्या है एंटीरियर व्यू है किसका, थोरेक्स का जो स्केलेटन है उसका कंप्लीट का दिखाया गया है। तो इसके अंदर क्या है अपनी 12 जो है वो क्या है रिब्स होती है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्व, ये क्या है सारी की सारी आपकी रिब्स दिखाई गई है। और ये किससे कनेक्ट रहती है, ये अपनी स्टर्नम से क्या है कनेक्ट रहती है, ठीक है, ये कैलकुलर नोच हो गया, क्लेविकल बोन हो गया आपकी, स्केपुला हो गया, स्टर्नल एंगल हो गया, कोस्टल कार्टिलेज, ये कोस्टल कार्टिलेज होता है यहां से यहां तक का, ये इंटरकोस्टल स्पेस हो गया आपका, ठीक है, ये आपकी जो है जिपर्ड प्रोसेस हो गई, ये क्या स्टर्नम हो गया आपका, ठीक है, और ये क्या आपका जुगलर नोच है। ऐसे अगर अपन स्टर्नम में देखें तो स्टर्नम में क्या जुगलर नोच हो गई अपनी, जो जुगलर नोच अपन ने यहाँ देखी थी वही क्या इसका अपर पार्ट है क्लेविकुलर नोच हो गई, ये जो है क्लेविकुलर नोच है, यहाँ पे भी क्या क्लेविकुलर नोच है, ये स्टर्नल एंगल हो गया, ठीक है, ये बॉडी हो गई और ये क्या है इसकी जिपर्ड प्रोसेस हो गई। ये क्या है आपका डायग्राम है, फर्स्ट जो ये डायग्राम है वो क्या है
एंटीरियर व्यूअर किसका, स्टर्नम का, और सेकंड क्या है, थोरेक्स है, स्केलेटल है किसका, थोरेक्स का। नेक्स्ट आपकी क्या है, रिब्स। देर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स विच फॉर्म द बोनी लेटरल वॉल ऑफ द थोरेसिक एंड एंड आर्टिकुलेट पोस्टीरियरली विद द थोरेसिक वर्टिब्रा। ये क्या है, 12 क्या है, पेयर होती है किसकी, रिब्स की, ठीक है। वो क्या है, बोनी लेटरल वॉल है, किसके साथ कनेक्ट रहते हैं, थोरेसिक केज के साथ, एंड आर्टिकुलेट थोरेसिक वर्टिब्रा, और किसके साथ रहती है, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ। द फर्स्ट 10 पेयर आर अटैच एंटीरियरली टू द स्टर्नम बाय कोस्टल कार्टिलेज। जो प्रथम 10 हैं, ठीक है, वो क्या है, किस किसके अटैच रहती है, अटैच एंटीरियर टू द स्टर्नम बाय कोस्टल कार्टिलेज, किसके द्वारा, कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा, सम डायरेक्टली एंड सम इनडायरेक्टली, जिसमें से कुछ क्या है डायरेक्टली कनेक्ट होती है और कुछ क्या है इनडायरेक्टली रूप से कनेक्ट होती है। द लास्ट 2 पेयर फ्लोटिंग रिब्स है नो एंटीरियर अटैचमेंट। जो लास्ट जो दो रिब्स होती है, जो फ्लोटिंग रिब्स होती है, वो क्या है, किसी के साथ कोई एंटीरियरली अटैच नहीं रहती। तो टोटल रिप्स कितनी होती है, 12 क्या है, टोटल रिप्स होती है, ठीक है, जिसमें से 10 जो है वो क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, वो एंटीरियरली स्टर्नम से कनेक्ट रहती है, और लास्ट की जो दो है वो क्या है, फ्लोटिंग रिप्स होती है, ठीक है, जो किसी के साथ एंटीरियरली अटैचमेंट नहीं रखती। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिब्स। द हेड आर्टिकुलेट पोस्टीरियरली विद द बॉडीज ऑफ टू एडजेसेंट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड ऑन द क्यूब्रिकल देयर इज फैक्ट टू दैट आर्टिकुलेट विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वन। द स्टर्नल एंड इज अटैच्ड टू द स्टर्नम बाय ए कोस्टल कार्टिलेज लाइक ए बोन लाइक ए बैंड ऑफ हाइलैंड कार्टिलेज। द superior border is rounded and smooth while the anterior border has marked groove occupied by the intercostal blood vessels and nerve. The first ribs does not move during respiration. The space between the ribs are occupied by the intercostal muscles. During inspiration, when the muscles contract, the ribs and sternum are lifted upward the outward increasing the capacity of the thoracic cavity. तो क्या क्या है इनके, द हेड आर्टिकुलेट पोस्टेरियली विद द बॉडी। जो हेड है वो आर्टिकुलेट है, किस कैसे पोस्टेरियली, किसके साथ, बॉडी ऑफ टू थोरेसिक वर्टिब्रा, जो दो थोरेसिक वर्टिब्रा है उनके साथ क्या है, उसकी अटैचमेंट रहता है, आर्टिकुलेट रहता है। एंड ऑन वन एंड ऑन द ट्यूब्रिकल देयर इज ए फैक्ट दैट आर्टिकुलेट विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वन। प्रोसेस कौन सी होती है यहाँ पे, ट्रांसवर्स प्रोसेस से। द स्टर्नल एंड इज अटैच्ड टू द स्टर्नम बाय ए कोस्टल कार्टिलेज। जो स्टर्नल एंड होता है, स्टर्नल का जो एंड पार्ट होता है, वो किस किसके साथ अटैच, कैसे अटैच, अटैच टू द स्टर्नम बाय ए कोस्टल कार्टिलेज, इसके द्वारा,
कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा. द सुपीरियर बॉर्डर इज राउंडेड एंड स्मूथ व्हाइल द इंपीरियर बॉर्डर हैज ए मार्क ग्रोव ऑक्यूपाइड बाई ए बाई द इंटरकोस्टल ब्लड वेसल्स एंड नर्व. द फर्स्ट रिब्स डज नॉट मूव ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जो फर्स्ट जो रिब्स है वो क्या है, रेस्पिरेशन के अंदर क्या है, मूव नहीं होती. द स्पेस बिटवीन द रिब्स आर ऑक्यूपाइड बाई द इंटरकोस्टल मसल्स. जो स्पेस होता है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई होता है, इंटरकोस्टल मसल्स के द्वारा. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द रिब्स एंड स्टर्नम आर लिफ्टेड अपवर्ड एंड आउटवर्ड इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द थोरेसिक कैविटी. ठीक है, जो अपना नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो किस पे होगा, अपेंडिकुलर सेक्शन पे. ठीक है, अपेंडिकुलर सेक्शन के बारे में अपन जो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. तो जो अपना अपेंडिकुलर सेक्शन है, अपेंडिकुलर सेक्शन किन किन चीजों से मिलकर बना है, एक तो शोल्डर ग्रिड और एक पैरेलल ग्रिड. तो शोल्डर ग्रिड है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, शोल्डर ग्रिड एंड अपर लिम्ब से होता है एक तो, और सेकेंड क्या है अपना पैरेलल ग्रिड एंड लोअर लिम्ब. तो इसमें अपना फर्स्ट पॉइंट क्या है, शोल्डर ग्रिड एंड अपर लिम्ब. तो ईच शोल्डर ग्रिड कंसिस्ट ऑफ वन क्लेविकल एंड वन स्केपुला. तो जो प्रत्येक जो शोल्डर ग्रिड है उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, एक क्लेविकल होती है, एक स्केपुला होती है. ठीक है, ईच अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बोन. ग्रिड कौन सी है, क्लेविकल है और स्केपुला है. ठीक है, और जो बोन है वो कौन सी है, ह्यूमरस हो गई, एक ह्यूमरस है, एक रेडियस है, एक अल्ना है, 8 कार्पल बोन होती हैं, 5 मेटाकार्पल होती हैं, और 14 क्या है, फ्लेंजेज होती हैं. शोल्डर ब्रिज एंड अपर लिम्ब में क्या है, शोल्डर ब्रिज जो है उसमें किस किस से कंसिस्ट होती है, एक आपकी क्लेविकल होती है और एक आपकी क्या है, स्केपुला होती है. ईच अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बोन. बोन कौन सी होती है, एक ह्यूमरस होती है, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है, 8 कार्पल बोन होती है, 5 मेटाकार्पल होती है, और 14 क्या है, फ्लेंजेज होती है. क्लेविकल और कॉलर बोन. द क्लेविकल इज ए लॉन्ग बोन विच हैज डबल कर्व. जो क्लेविकल है वो क्या है, एक लॉन्ग बोन होती है और क्या रखती है, डबल कर्व प्रेजेंट होते हैं. इट आर्टिकुलेट विद द मैंडिब्यूलम ऑफ द स्टर्नम एट द स्टर्नोमैंडिबुलर जॉइंट एंड फॉर्म द एक्रोमैंडिबुलर जॉइंट विद द एक्रोमल प्रोसेस ऑफ द स्केपुला. The clavicle provide the only bony link between the upper limb and axial skeletal. Clavicular जो collar bone है वो क्या है, the clavicle is a long bone which has double curve. इसमें double curve होती है, long bone होती है. It articulates with the mandibulum of the sternum at the sternomandibular joint and form the acromandibular mandibular joint with the acromion process of the scapula. The clavicle provide the only bony link between the upper limb and the axial skeletal. नेक्स्ट है स्केपुला और शोल्डर ब्लेड. स्केपुला और शोल्डर ब्लेड में क्या है, द स्केपुला इज ए प्लेट ट्रायंगुलर शेप बोन लाइंग ऑन द पोस्टीरियर चेस्ट वॉल सुपरफिशियल द रिब्स एंड सेपरेटेड फ्रॉम देम बाय मसल. सेपरेट किसके द्वारा होती है, मसल्स के द्वारा. एट द लेटरल एंगल देयर इज ए शैलो आर्टिकुलर सरफेस द ग्लूटर क्लेविटी विच विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस फॉर्म द शोल्डर जॉइंट.
On the posterior surface, there is a spinous process that projects beyond the lateral angle of the bone and overhinge the shoulder joint called acromion process. इसको अपन क्या बोलते हैं? Acromion process बोलते हैं. The shoulder joint called the it articulate with the clavicle at the acromandrial joint. और articulate कहाँ पे होती है? Clavicle से acromandrial joint पे. The coronoid process a projection from the upper border of the bone give attachment to the muscles that move the shoulder joint. नेक्स्ट लेक्चर जो अपना होगा वो किस पे होगा? ह्यूमरस पे. थैंक्स टू ऑल.